वोडाफोन पेमेंट बैंक हम लोग किस तरह से ओपन कर सकते हैं, कैसे ओपन करना है, इसका क्या तरीका है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप ना करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वोडाफोन ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, आपको मिल जाएगा। अपना जो भी फ़ोन नंबर होगा उससे आपको लॉग इन कर लेना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और उसके बाद ऐप ओपन हो जाएगा। ऐप ओपन होने के बाद दोस्तों आपका जो भी वॉलेट वगैरह होगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वो तो आपको पता ही होगा ना। तो अभी बात करते हैं कैसे आप अकाउंट को ओपन कर सकते हो। इस एप्लीकेशन में आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, या फिर दोस्तों वोडाफोन का ऑफिशियल जो वेबसाइट है गूगल पे चार्ज करने पर आएगा, वहाँ से भी आप पेमेंट बैंक वॉलेट को ओपन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगा जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी आसानी से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, आप अगर घर बैठे ऑनलाइन केवाईसी करके इस अकाउंट को फुली एक्टिव करना चाहते हो वो भी कर सकते हो वीडियो कॉल के ज़रिए, ठीक है, वीडियो केवाईसी के साथ। और अगर आप चाहते हो नहीं, हम किसी भी स्टोर में जाके ओपन करना चाहते हैं वोडाफोन का, तो ऐसे में वो भी आप कर सकते हो, किसी भी वोडाफोन की स्टोर में जाके कर सकते हो, सेंटर में जाके, ठीक है। या फिर दोस्तों आप किसी एजेंट से भी खुलवा सकते हो बात करके, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही जानकारी दिया हो, वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी के लिए दोस्तों गुड बाय।